जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। आई एम आर के वर्मा, योर माई टीचर। टुडे आई विल एक्सप्लेन अबाउट एक्सरसाइज 13.6 क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, आज सुबह जो है हमने 13.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड दो का सोल्यूशन दिया है, और 3 और 4 बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा, उसका भी सोल्यूशन दे देंगे। 5 से देखने चल रहे हैं। कह रहा क्वेश्चन 5, इट कॉस्ट 2,200 रुपीज टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, फाइंड फर्स्ट इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, सेकेंड रेडियस ऑफ द बेस, थर्ड कैपेसिटी ऑफ द वेसल। देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि ये कोई सिलिंड्रिकल वेसल है। देखिए, सिलिंड्रिकल वेसल आप देख रहे होंगे, ये तो इसमें जो अंदर का जो इनर कर्व सरफेस एरिया, अंदर का ये इनर समझते हो, ये बाहर का है, बाहर नहीं, अंदर की बात कर रहा है, कर्व सरफेस एरिया, इसको पेंट करना है। और पेंट करना, टोटल पेंट करने की कास्ट आ रही है 2,200 रुपीज़ टोटल कास्ट आ रही है, और ये 10 मीटर डीप है। डीप मीन जैसे इसको हम ऐसे देखेंगे तो इसको हम डीप बोलेंगे, और ऐसे देखेंगे तो हाइट बोलेंगे, और ऐसे देखेंगे तो लेंथ बोलेंगे। तो लेंथ कहिए या जो है डीप कहिए या हाइट कहिए, ये सब तीनों एक ही चीज़ है। वो पोजीशन की बात होती है कि किस पोजीशन में हमने वेसल को रखा है। तो एच मीन्स यहाँ 10 मीटर डीप है, तो एच हो जाएगा 10 मीटर। ओके, पोजीशन अलग अलग पोजीशन में अलग अलग उसका नेम चेंज हो जाता है, बट होता वही सेम चीज़ है। तो इसमें देखिए कह रहा, फर्स्ट में इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, अंदर का जो कर्व सरफेस एरिया वो फाइंड करना है। तो यहाँ सोल्यूशन से आप देखें, कास्ट ऑफ पेंटिंग दिया हुआ 2,200 रुपीज, जो इसकी अंदर की टोटल अंदर की जो कास्ट आ रही है यह है 2,200 रुपीज़। तो ये क्या होता, अच्छा उसका रेट ऑफ पेंटिंग क्या दिया है, 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, मीन्स एक मीटर स्क्वायर अगर एरिया का हम पेंट करें तो 20 रुपीज़ आ रही है इसकी कॉस्ट। ओके, एक मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी पड़ रही है पेंटिंग की, 20 रुपीज़। तो यहाँ देखिए, वी नो कास्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू, अगर टोटल कास्ट ऑफ पेंटिंग अंदर की कर्व सरफेस एरिया की जो बनेगी वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ पेंटिंग, किस रेट से आप उसकी पेंटिंग कर रहे हैं, इनटू इनर कर्व सरफेस एरिया, टोटल अंदर का कर्व सरफेस एरिया कितना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कास्ट उसकी आ जाती है पेंटिंग की। ओके, तो देखिए इसमें टोटल कास्ट आ रही है अंदर कर्व सरफेस एरिया पेंटिंग करने की आ रही है 2,200 इक्वल टू, इसका जो रेट है वो है 20, और इनटू इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ओके, तो ये जो है हम यहाँ से इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में इनर कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2,200 में हम 20 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। तो 110 मीटर स्क्वायर अंदर का हमने कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लिया, इतना इसका बनेगा। ओके, सेकंड पार्ट, अब जरा देखते हैं कि अंदर का कर्व सरफेस एरिया होता क्या है। 2πrh आपको पता होगा क्या होता है, 2πrh, तो 2πrh इक्वल टू हो जाएगा वही 110 मीटर स्क्वायर। इसमें 2π मीन्स यहाँ 22/7, और हमको फाइंड करना है एच का वैल्यू, 10 मीटर डीप दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करोगे यहाँ से आर का वैल्यू आ जाएगा 7/4 मीन्स 1.75 मीटर। तो इसका जो रेडियस समझ लो ना, रेडियस सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन कराने पर जो लेंथ मिलती है उसी को रेडियस बोलते हैं। तो हमने आर फाइंड कर लिया है 1.75 मीटर। ओके, सो रेडियस ऑफ बेस, जो बेस इसका है, इसका रेडियस हमने फाइंड कर लिया 1.75 मीटर। ओके, अब इसके बाद आता है कैपेसिटी ऑफ वेसल। तो कैपेसिटी, जो वेसल की कैपेसिटी अंदर जो उसकी क्षमता है वो किसके इक्वल होती है, वॉल्यूम के, क्योंकि तो अंदर ही तो वॉल्यूम होता है और वही कैपेसिटी कहलाता है। तो कैपेसिटी ऑफ वेसल हो गया इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेसल, वेसल का जो वॉल्यूम होगा वही कैपेसिटी हो गया। तो क्या होता है वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया पाई मीन्स 22/7, आर मीन्स 7/4 इंटू 7/4, एंड एच इज गिवेन 10 मीटर। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 96.25 मीटर क्यूब। तो
इसका इसकी कैपेसिटी आ गया या वॉल्यूम आ गया, जो भी आप कहिए, 96.25 मीटर की, वो क्या समझ आ गया। एंड आफ्टर दिस योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल सीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। ये कह रहा है कि ये जो वेसल है, ये वेसल है, ये इसकी हाइट 1 मीटर, हाइट मीन्स यहाँ से देखोगे तो हाइट बोलोगे 1 मीटर जिसकी हाइट है, और इसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, अंदर का वॉल्यूम 15.4 लीटर्स, इसमें 15.4 लीटर्स की इसकी कैपेसिटी दी गई है, तो यही तो वॉल्यूम बनेगा। यहाँ चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन। हाइट एच इक्वल टू 1 मीटर, सेंटीमीटर बन जाएगा 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में सेंटीमीटर होता है। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल जो वॉल्यूम होगा इसका वेसल का, वही इसकी कैपेसिटी होती है, और जो कि गिवन है 15.4 लीटर्स दिया हुआ है। तो ये हो गया, यहाँ से वॉल्यूम हो गया इक्वल टू 15.4 लीटर्स, और आपको मालूम है 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, क्यूब होता है, 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 15.4 लीटर कितना हो जाएगा, ये 15.4 इंटू 1000 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे 15400 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इसके बाद हम वॉल्यूम, तो ये समझ में आपके आ गया होगा, तो यहाँ से वॉल्यूम क्या होता है, अंदर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच ही तो होता है, और ये हमने इसको फाइंड कर लिया सेंटीमीटर क्यूब में, तो पाई आर स्क्वायर एच जो वॉल्यूम होता है इसकी कैपेसिटी पाई आर स्क्वायर एच, वो आ गई कितना आ गया 15400। तो यहाँ से पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, आर स्क्वायर ऐसे रखिए, एच मीन्स आपने ऊपर फाइंड किया है सेंटीमीटर में 100, और 15400 इसको देखिए 0 0 कट हो करोगे, आर स्क्वायर 77, आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ मेटल सीट नीडेड टू मेक वेसल, अब देखिए ये क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड है मीन्स इसका टॉप है, ढक्कन भी है, और इसका बॉटम पेदी भी है, और इसकी दीवाल भी है, देखिए दीवाल भी है, कब सरफेस एरिया भी रहेगा, तो टोटल जिसमें कितना क्लोज्ड है ना, तो इसमें कितने सरफेस बनेंगे, बॉटम का सरफेस बनेगा पाई आर स्क्वायर, और टॉप का बनेगा पाई आर स्क्वायर, और इसका दीवाल का एक कर्व सरफेस एरिया इसका 2πrs, तो तीनों जुड़ जाएगा। तो यहाँ से हो गया टोटल जो सीट बन लगेगा नीड होगा, नीचे का, पेदी का, ढक्कन का, और इसका जो है ये वाल का, कितना बनेगा 2πrs प्लस 2πr² दिस प्लस दिस। तो यहाँ 2πr कॉमन हो गया, ये हो गया h प्लस r, 2π मीन्स 22/7, एंड r 7 सेंटीमीटर हमने ऊपर फाइंड किया है, एच मीन्स 100 प्लस 7, सो दिस विल बी 44 इंटू 107, एंड दिस विल बी 4708 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप जो सेंटीमीटर स्क्वायर को आप मीटर में चेंज कर लीजिए, तो ये देखिए आ गया 4708 सेंटीमीटर स्क्वायर जो बनेगा, अब इसको मीटर में लाओगे तो 1 सेंटीमीटर का 1/100 मीटर होगा 1 सेंटीमीटर का, और स्क्वायर है 2 बार है तो उसका भी 1/100, तो ये नीचे हो जाएगा, डिवाइड करोगे 100 इंटू 100, अब ये मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, तो बनेगा 4708/100 इंटू 100, अब मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो है इतना सीट इसमें लगेगा, तो टोटल सीट आपने फाइंड कर लिया, ये विराम देते हैं, थैंक यू।